अभी हम अपना फोर्थ सब्जेक्ट इज इंग्लिश के बारे में बात करेंगे. इंग्लिश जो है MHCET में 30 मार्क्स का पूछा जाता है. अगर आप क्लैट से कंपेयर करेंगे तो इंग्लिश इज वेरी इजी CET में. बेसिक कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, ग्रामर के रूल्स पूछे जाते हैं, टेंसेस पूछे जाते हैं. टेंसेस इन द सेंस आपको करेक्ट द सेंटेंस होता है, पैराजम्बल्स पूछा जाता है, वोकैबलरी पूछी जाती है. तो कंपेयर्ड अगर आप करोगे तो इंग्लिश मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगती है. कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ डेली 2 कॉम्प्रिहेंशंस तो प्रैक्टिस करिएगा, एंड वो भी स्क्रीन पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है, तो आपको स्क्रीन पे रीडिंग आदत होनी चाहिए. तो लैपटॉप हो आपके पास, कंप्यूटर हो या मोबाइल पे भी आप एटलीस्ट आदत डाल दीजिए कि आपको 2 कॉम्प्रिहेंशंस डेली सॉल्व करनी है, और वो भी स्क्रीन पे. और बेसिक मतलब मैंने तो देखा है लेवल कॉम्प्रिहेंशन का इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है CET में. और बेसिक ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पे ही अभी वीडियोस देख सकते हो, टेंसेस के लिए. बाकी वोकैब के लिए अगर आपको अभी वोकैबलरी इम्प्रूव करनी है तो मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है उसका एक यूट्यूब वीडियो टाइप कन्वर्जन है, आप वो देख सकते हो. वो 4 वीडियोज है आई गेस, 2 आवर्स के. तो आप वो प्रिटी कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हो, एंड मोस्ट ऑफ द वोकैबलरी आप सीख भी सकते हो वैसे. और फिर ग्रामर के लिए मैं आपको बोलूँगी कि कितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिएगा. बेसिकली आपको पास्ट ईयर पेपर्स तो नहीं मिलेंगे वैसे, बट क्लैट के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स है वो ही सॉल्व करिएगा इंग्लिश के लिए. देन ग्रामर के जो बेसिक, अगर आपको बैंक PO के भी इंग्लिश एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं वो भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिमिलर काइंड ऑफ है. तो ग्रामर में भी टेंसेस या वगैरह पूछे जाएंगे, बट ऐसे टेंसेस नहीं पूछे जाते, आपको करेक्ट द सेंटेंस होता है. तो आपको वो पता होना चाहिए कि टेंसेस कहाँ पे उसका फॉर्म, वर्ड फॉर्म करेक्ट है या उसमें क्या गलत हो रहा है. तो जनरली फोकस करिएगा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है. मैंने ये देखा था ट्रेंड पिछली बार क्या हुआ था, 10 क्वेश्चंस हमें आए थे कॉम्प्रिहेंशन पे, 5 क्वेश्चंस जो थे करेक्शन पे थे, 5 क्वेश्चंस जो पैराजम्बल पे थे, और बाकी के 10 क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े बहुत वोकैब पे थे, थोड़े बहुत फिल इन द ब्लैंक्स पे थे, और एक विशेष रूप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं. आपको एक पैराग्राफ टाइप दिया जाता है जिसमें बीच बीच में आपको ब्लैंक दिया जाता है, उसके ऊपर ऑप्शंस आपको नीचे दिए जाते हैं. तो आपको देखना होता है कि वो पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से वर्ड्स ऐड ऑन करने होता है. वो भी 5 मार्क के लिए पूछा, जो 5 क्वेश्चंस उसके भी ऊपर आए थे. तो ऐसा था लास्ट ईयर का डिविजन. तो जनरली इंग्लिश मुझे तो सबसे ज्यादा ईजी लगता है CET में.